हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चले तो फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, अब क्लास का समय हो गया है साथियों। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि ये जो समय है, इस टाइम आपको साइंस का क्लास करवाते हैं, डेली जनरल साइंस का। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ेंगे। बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाइए, आ जाइए, सभी का स्वागत है। वेलकम बैक साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुड़िए तो फटाफट से सभी साथी। जनरल साइंस का क्लास इस टाइम डेली आपको कराया जाता है, तो समय तो हो गया है। आप लोग जुड़िए फटाफट से, अपना प्रेजेंट शो करिए, देख लीजिए वॉइस वगैरह सब कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है। आ रही है वॉइस, सुन पा रहे हो आप लोग? अच्छी बात है, तो फिर डायरेक्टली क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन है। पहले अपना प्रेजेंट शो करिए यार, कुछ साथी लोग तो जुड़ जाइए क्लास में। वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। इमरान खान, नीकू कुमार पांडे, ठीक है, सालू गुप्ता, विनोद, नीता यादव जी, सभी साथी जुड़ जाइए। नीकू कुमार जी, वेलकम वेलकम। दिनेश बिंद, एम एस चौहान, मुकेश कुमार, अमर प्रसाद धार, अमित ठाकुर, मिथुन कुमार, हिमांशु कुमार, दीपक पंडित, नंदनी गुप्ता, एम एस चौहान। चलो तो साथियों देखते हैं फिर कौन कौन से क्वेश्चन हैं आज इस क्लास में। ठीक है, दिनेश, नीता, मुकेश, शुरू करें फिर। इस क्लास का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि तीन क्लास का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ जा चुका है। और पता है एक दिन में तीन ही क्लास का नोटिफिकेशन आता है। शेरू सरोज, रंजन कुमार, प्रवीण, ठीक है, लॉटरी गेमिंग, सरप मुन्ना कुमार। चलिए शुरू करते हैं साथियों। ये रही स्क्रीन पर आपकी पहली क्वेश्चन, आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी साथी क्लास को शेयर कर देना। देखो, सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है, बताइए तो सभी साथी। सीट वर्म जो है वो किस कृमि का दूसरा नाम है भाई? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, तो बताइए सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है। आप सभी साथी देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखना पिन वर्म। पिन वर्म यहाँ राइट आंसर आएगा, पिन वर्म याद रखिए सभी, पिन वर्म करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल वेरी नाइस, तो याद आपको रखनी है पिन वर्म, यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। देख लीजिए सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है, तो भाई पिन वर्म का। आगे देखिए, लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादक करते हैं क्या? तो जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, देखो इन पौधों में जड़ नहीं पाया जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं इनमें जड़ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य क्या उत्पन्न करते हैं, देखिए तो क्या उत्पन्न करते हैं साथियों? दाल, याद रखिए दाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। दाल, आप सभी याद रखिए दाल करेक्ट आंसर आएगा यहाँ। लेग्यूमिनोसी कुल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके सदस्य उत्पादन करते हैं भाई दालों को, दालों का, ऑप्शन नंबर डी दाल करेक्ट आएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन खाने योग्य कवक है, इनमें से कौन सा एक खाने योग्य कवक है, ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इनमें से कौन सा खाने योग्य कवक है भाई? अब देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, सभी साथी देख लीजिए करेक्ट आंसर, यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बताइए? तब देखिए राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कौन सा एक खाने योग्य कवक है? तो देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री, तो सभी साथियों को ध्यान देनी है। देखो करेक्ट आएगा अगेरिकस, अगेरिकस राइट है, अगेरिकस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। कौन सा एक खाने योग्य कवक है, तो भाई अगेरिकस करेक्ट आ गया, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? भाई देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो पौधों में पानी और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है? तो याद रखिए बोरोन, बोरोन करेक्ट आएगा, बोरोन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा, बोरोन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी खुली हवा में प्रकट होने के तुरंत बाद बेकार हो जाएगी, निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी है जो खुली हवा में प्रकट होने के तुरंत बाद बेकार हो जाएगी? देखिए तो क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर क्या है, कौन सी लकड़ी खुली हवा में प्रकट होने के तुरंत बाद बेकार हो जाएगी,
तो याद रखना गीली लकड़ी, वीट वुड। याद रखना गीली लकड़ी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी गीली लकड़ी यहाँ करेक्ट आ गया। वेरी गुड साथियों, एक हवाई जहाज की लिफ्ट किस पर आधारित है? भाई एक हवाई जहाज की जो लिफ्ट है वह साथियों किस पर आधारित है? देखो तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। एक हवाई जहाज की लिफ्ट जो है वो किस पर आधारित है? तो याद रखिए बर्नौली प्रमेय पर, बर्नौली प्रमेय करेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर बी। एक हवाई जहाज की लिफ्ट किस पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय पर, बर्नौली प्रमेय करेक्ट आ गया। याद रखना है सभी को बर्नौली प्रमेय पर, वेरी नाइस। याद रखिए तो सभी साथी बर्नौली प्रमेय करेक्ट आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा जा रहे हैं सभी, वेरी नाइस। एक हवाई जहाज की लिफ्ट किस पर आधारित है? तो भाई बर्नौली प्रमेय पर याद रखना है सभी साथियों को। आगे देखिए, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किसके पास नहीं जाना चाहिए? टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किसके पास नहीं रखा जाना चाहिए? बताइए, सालू गुप्ता, अमर दिनेश बिंद, नीरज पंचाल जी। टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किसके पास नहीं रखा जाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देख लीजिए सभी साथी, करेक्ट आंसर क्या है? तो भाई याद रखो मैग्नेट है ना, चुंबक के समीप, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए मैग्नेट करेक्ट आ गया, चुंबक। आगे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का इस्तेमाल इनमें से किसके प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? दवाई बताइए साथियों, इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का इस्तेमाल इनमें से किसके प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? देखिए फटाफट से सभी साथी, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बताइए। तो भाई देखो तो करेक्ट आंसर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का इस्तेमाल इनमें से किसके प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो अब देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ इस क्वेश्चन के लिए, सभी साथी ध्यान देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, तो याद रखना वायु, एयर करेक्ट आ गया, वायु, ठीक है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुचालक है? इनमें से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुचालक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुचालक है? देखो तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन बिजली का कुचालक है? देखिए राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, तो माइका, माइका करेक्ट आएगा, अभ्रक। तो अभ्रक करेक्ट आएगा साथियों, माइका, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, अभ्रक, माइका करेक्ट आ गया, वेरी नाइस सभी साथी। अति चालकता वह कंडक्टर है भाई जिसका क्या शून्य होता है, बताइए। अति चालकता वह कंडक्टर है जिसका क्या शून्य होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बताइए। अति चालकता वह कंडक्टर है जिसका क्या शून्य होता है? देखो तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, अति चालक कंडक्टर है जिसका क्या शून्य होता है? तो भाई रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। याद रखिए अति चालकता वह कंडक्टर है जिसका क्या शून्य होता है? तो रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए। देखो सभी, लंबी अवधि के उपयोग के बाद, ठीक है, बल्ब के अंदर एक ग्रे रंग का धब्बा बन जाता है, यह इसीलिए होता है, क्यों भाई बताइए? लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब पर एक ग्रे रंग का धब्बा बन जाता है, यह किस लिए होता है? देखिए तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो टंगस्टन फिलामेंट बाष्पित होता है और एकत्रित हो जाता है इस कारण, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, वेरी नाइस। लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर एक ग्रे रंग का धब्बा बन जाता है, यह इसलिए होता है क्योंकि देखो टंगस्टन फिलामेंट बाष्पित होता है और एकत्रित हो जाता है, याद रखना सभी साथी। आगे देखिए भाई, केवल वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, केवल वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो देखना क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए। केवल वह भाषा साथियों जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, या बाइनरी भाषा, बाइनरी लैंग्वेज भी करेक्ट आएगा, इसको मशीनी भाषा भी बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज करेक्ट आ गया, याद रखो। ओजन परत की मोटाई इनमें से किसमें मापी जाती है? तो भाई ओजन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है,
देखिए राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ बताइए। तो देखिए सभी साथी, ओजन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो ओजन परत इनमें से किसकी मोटाई, देखो ओजन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है, तो याद रखना डॉब्सन यूनिट, ठीक है, DU, याद रखना DU यानी डॉब्सन यूनिट करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, डॉब्सन यूनिट। आगे देखो, एक फोटो स्टेट मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, एक फोटो स्टेट मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, देखो राइट आंसर क्या जाएगा बताइए। एक फोटो स्टेट मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो देखो करेक्ट आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि बनाने में, इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि बनाने में, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। सभी साथी, धारा प्रभावित होने वाले एक सीधी लंबे सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, भाई देखो करेक्ट आंसर, धारा प्रभावित होने वाले एक सीधे लंबे सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, धारा प्रभावित होने वाले एक सीधे लंबे सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। जब आप एक विद्युत उपकरण से जुड़े प्लग को बाहर निकालते हैं तो आप अक्सर एक चिंगारी देखते हैं, यह उपकरण के किस गुण से संबंधित है, तो आप बताइए राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा। अब देखो करेक्ट आंसर क्या है भाई इस क्वेश्चन के लिए, तो साथियों बताना, सभी साथी बताइए। देखो अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या है इस क्वेश्चन के लिए, तो सभी साथी देखो अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या है, ठीक है। देखो तो जब आप एक विद्युत उपकरण से जुड़े प्लग को निकालते हैं तो आप अक्सर एक चिंगारी देखते हैं, यह उपकरण किस गुण के से संबंधित है, तो यह देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस करेक्ट आएगा। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, अब अगली क्वेश्चन क्या है, तड़ित किसके कारण होता है, तो बताइए तड़ित किसके कारण होता है, अब देखिए राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। देखो तड़ित किसके कारण होता है, अब सभी साथी ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी बिजली का निर्वहन, तड़ित किसके कारण होता है, तो याद आपको रखिए बिजली के निर्वहन के कारण, ठीक है। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रक्त के संचलन में मदद करता है, ठीक है। देखिए अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए, तो याद रखिए लिम्फोसाइट्स करेक्ट आंसर आएगा, भाई क्या रक्त के संचलन में मदद करता है, तो लिम्फोसाइट्स यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक है, सभी साथी देख लो, ठीक है। देखो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अब सभी साथी देखो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो बताइए। तो देखो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो याद आपको रखनी है बीट, बीट करेक्ट आंसर आ गया ना, बीट यहाँ राइट आंसर है,
आप सभी साथी याद रखना, बीट यहाँ करेक्ट आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? ठीक है, सभी साथी देख लो। ठीक है, तो देखिए अब करेक्ट आंसर क्या है सभी साथी। निम्नलिखित में से क्या एक बड़ी स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो एम्पीसिलिन यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, एम्पीसिलिन यहाँ करेक्ट आंसर है, आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, तो एम्पीसिलिन यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप सभी साथी यहाँ ध्यान दीजिए, करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, एम्पीसिलिन यहाँ करेक्ट है। एम्पीसिलिन यहाँ करेक्ट आंसर आएगा। हमारे हड्डी और दांत आमतौर पर किससे बनते हैं? अब देखिए सभी साथी राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारी हड्डी और दांत आमतौर पर किससे बनते हैं? अब देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ सभी साथी ध्यान से। ठीक है, देखो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, हमारी हड्डियाँ और दांत आमतौर पर किससे बनते हैं? देखो अभी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो याद रखिए ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट करेक्ट आएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं आसानी से प्रभावित होती है? ठीक है, देखिए तो अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सभी साथी ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किस बीमारी से पुरुषों की तुलना में महिलाएं, ठीक है, आसानी से प्रभावित होती है? तो देखो अब करेक्ट आंसर करेक्ट आएगा दिल का दौरा, यहाँ सभी साथी याद रखिए। ठीक है, हार्ट अटैक करेक्ट आएगा। आगे देखिए, एक निबल कितने बीट्स के बराबर होती है? ठीक है, अब सभी साथी देखो। ठीक है, एक निबल कितने बीट्स के बराबर होती है? तो अब देखो करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आप सभी साथी देखना करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक निबल कितने बीट्स के बराबर होता है? तो चार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, चार। एक लंबी कूद में व्यक्ति से कूदने, देखो एक लंबी कूद में व्यक्ति कूदने से पहले दौड़ता है, क्योंकि वह क्या होता है बताइए, अभी साथी देख लीजिए करेक्ट आंसर। एक लंबी कूद में व्यक्ति कूदने से पहले दौड़ता है ना, मान लेते हैं आपको बोला गया है लॉन्ग जंप करने के लिए। ठीक है, तो देखो सभी साथी, ठीक है, देखो तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सभी साथी देख लीजिए, तो संवेग प्राप्त करता है इसलिए। ठीक है,
संवेग प्राप्त करता है इसीलिए। देखो एक जेट इंजन संरक्षण नियम पर कार्य करता है, कौन से संरक्षण नियम पर, सभी साथी देख लो ठीक है। देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक जेट इंजन संरक्षण नियम पर कार्य करता है ठीक है। देखिए सभी साथी, एक जेट इंजन संरक्षण नियम पर कार्य करता है, कौन से संरक्षण नियम पर, तो देखो करेक्ट आंसर आ जाएगा रेखीय संवेग, बता रहे हो लीनियर मोमेंटम करेक्ट आएगा रेखीय संवेग ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप सभी साथियों को याद रखनी है या देख लीजिए ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी साथियों को याद रखनी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है साथियों, तो भाई सभी को याद रखनी है, जरूर याद रखिए सभी साथी। आगे देखिए चुंबकीय इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल किस श्रेणी में आते हैं, देखो तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, अब फटाफट से देख लीजिए राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या, फटाफट से सभी साथी ध्यान दीजिए, तो राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा ठीक है। देखो करेक्ट आंसर अब क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर सभी साथी ध्यान दीजिए, तो राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा ठीक है, क्या बात है। तो देखिए करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा साथियों, सभी ध्यान से देख लीजिए ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सभी साथी देख लो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर क्या आ जाएगा ठीक है। तो देखिए अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो चुंबकीय इलेक्ट्रोस्टैटिक और गुरुत्वाकर्षण बल किस श्रेणी में आते हैं, तो याद रखना गैर संपर्क बल, गैर संपर्क बल यहाँ करेक्ट आएगा, गैर संपर्क बल आप सभी को याद रखनी है, देखो गैर संपर्क बल यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखिए भाई, गैर संपर्क बल यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो आप सभी को याद रखनी है, क्या बात है, क्या तैयारी है साथियों, अद्भुत तैयारी, वेरी नाइस, आप सभी साथी याद रखना ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ये रहा, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है, भाई देखो तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ठीक है। देखो अब करेक्ट आंसर क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है, अब ध्यान दीजिए राइट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बताइए, तो भाई पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है, आप सभी साथी ध्यान देना, करेक्ट आएगा कोर के अंदर चलने वाला करंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सभी साथी याद रखना ठीक है। तो देखो अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, भाई सभी साथी ध्यान दीजिए, अब राइट आंसर क्या आ जाएगा ठीक है। देखिए तो अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ठीक है। तो देखिए अब करेक्ट आंसर क्या है, तो सभी साथी ध्यान दीजिए भाई, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कोर के अंदर चलने वाला करंट के कारण होता है। आगे देखिए न्यूक्लियन एक सामान्य नाम है किसका, भाई न्यूक्लियन एक सामान्य नाम है किसका, यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, सभी साथी देख लीजिए, न्यूक्लियन एक सामान्य नाम है भाई किसका, तो याद आपको रखनी है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। देखो अब करेक्ट आंसर यह क्या आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए सभी साथी ध्यान दीजिए ठीक है। देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियन एक सामान्य नाम है किसका साथियों, तो देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, आप सभी को याद रखनी है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आप सभी को याद रखनी है ठीक है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी साथी ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भाई। ओके, अच्छी तैयारी, अद्भुत तैयारी, याद रखिए सभी साथी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है बताइए, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? सभी साथी ध्यान दीजिए, राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखो यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है, ठीक है, देखो अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा सभी साथी ध्यान से, भाई यांत्रिक शक्ति की ऐसा इकाई क्या होती है? सभी साथी देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अब इस क्वेश्चन के लिए, तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ, यांत्रिक शक्ति की ऐसा इकाई क्या होती है? ठीक है, तो वाट करेक्ट आएगा, वाट, वाट करेक्ट है, सभी याद रखिए, ठीक है। तो वाट करेक्ट आ गया, याद रखना है सभी साथियों को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस गैस का उत्पादन ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण किया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, देखो सभी साथी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आप सभी साथी ध्यान दीजिए, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, तो भाई देखना आप करेक्ट आंसर यहाँ क्या है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बहुत खूब, अच्छी तैयारी, अद्भुत तैयारी साथियों, देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या है। तो निम्नलिखित में से किस गैस का उत्पादन ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण किया जाता है? तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा के लिए, साथियों फटाफट से कोशिश करिए, देखिए तो राइट आंसर क्या, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो भाई वर्षा के लिए जिम्मेदार है? देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या जाएगा, कौन सी प्रक्रिया वर्षा है? तो याद रखिए सभी बाष्पीकरण और संघनन, बाष्पीकरण और संघनन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए लेकरे, देखो लेकरे टीडे किसका वैज्ञानिक नाम है भाई, लेकरे टीडे किसका वैज्ञानिक नाम है बताइए, क्वेश्चन नंबर 32, लेकरे टीडे किसका वैज्ञानिक नाम है? तो लिजार्ड का, यानी छिपकली करेक्ट आएगा, छिपकली, लेकरे टीडे किसका वैज्ञानिक नाम है? तो भाई देखो लिजार्ड का, छिपकली का, ठीक है। आगे देखिए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सभी साथी मिलकर क्लास को लाइक करेंगे, लाइक शेयर कर ही दीजिए, नए साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन ऑन कर लेना, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तब देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट, देखो मल्टी मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। देखो किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग, ठीक है भाई, का कारण बनता है बताइए, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग SARS, ठीक है, का कारण बनता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, तो वायरल करेक्ट आएगा, वायरल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, वायरल, आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। आप सभी साथी देखो वायरल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो तो वायरल करेक्ट आंसर आ जाएगा, वायरल याद रखना है सभी को, ठीक है। आगे देखिए किसी झील या पानी के अन्य निकाय में पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि को क्या कहा जाता है? अब सभी साथी ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, ठीक है। बहुत खूब, तो देखना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, किसी झील या पानी के अन्य निकाय में पोषक तत्वों की अत्यधिक समृद्धि को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, देखो यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा,
यूट्रोफिकेशन यहाँ राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। एस्पिरिन की खोज किसने करी थी भाई, बताइए सभी साथी, एस्पिरिन की खोज किसने की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, एस्पिरिन की खोज किसने करी थी। अब सभी साथी देखो तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा भाई, सभी साथी देख लीजिए करेक्ट आंसर अब क्या है यहाँ, तो बताइए सभी, देखो करेक्ट आंसर यहाँ अब क्या आ जाएगा, एस्पिरिन की खोज किसने करी थी। बहुत अच्छी तैयारी, वेरी नाइस। तो देखो एस्पिरिन की खोज किसने करी थी, तो आप सभी को याद रखनी है, देखो फेलिक्स होफमैन ने, तो फेलिक्स होफमैन करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा, फेलिक्स होफमैन यहाँ राइट है। एस्पिरिन की खोज किसने करी थी, तो साथियों फेलिक्स होफमैन ने, बहुत अच्छी तैयारी, वेरी नाइस, फेलिक्स होफमैन करेक्ट आंसर आएगा। किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था, देखो तो किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। अब देखो राइट आंसर यहाँ क्या जाए, सभी साथी टूट पड़िए क्वेश्चनों पे, तो भाई देखिए करेक्ट आंसर यहाँ अब क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बताइए सभी साथी, ठीक है। तब देखो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर भाई किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था, तो अब देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए सेल्डन और सान ने, तो सेल्डन और सान करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई, सेल्डन एंड सान यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए सीमेंट इनमें से किसकी स्थापन की दर बढ़ा देता है, बताइए सीमेंट इनमें से किसकी स्थापन की दर को बढ़ा देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या है, सीमेंट इनमें से किसकी स्थापन की दर को बढ़ा देता है। सभी साथी देखिए फटाफट से अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए भाई बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 अब राइट आंसर क्या आ जाएगा, बहुत खूब अच्छा जा रहे हैं सभी, तो देखो राइट आंसर आ जाएगा जिप्सम का, तो जिप्सम करेक्ट आ गया सभी साथी, याद रखिए। देखो एल्केन्स पहले किस रूप में जाना जाता था, बताइए एल्केन्स पहले किस रूप में जाना जाता था, देखिए एल्केन्स पहले किस रूप में जाना जाता था, अब सभी साथी देख लो करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो देखिए एल्केन्स पहले किस रूप में जाना जाता था, तो ओलोफिन्स के रूप में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, ओलोफिन्स, आप सभी याद रखिए ओलोफिन्स के रूप में भाई। देखो भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश का प्रयोग करने वाला, देखो भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश का प्रयोग करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो आप ध्यान दीजिए भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश का प्रयोग करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो भाई ध्यान दीजिए सभी साथी करेक्ट आंसर आएगा क्या, तो ऑटोट्रॉफ, स्वपोषक करेक्ट आएगा। देखिए स्वपोषक राइट आंसर आ जाएगा साथियों, वेरी नाइस, आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए साथियों, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बताइए, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो भाई वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो टिम बर्नर्स ली के द्वारा, याद रखिए टिम बर्नर्स ली बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। आगे देखिए रोंडेटिया मुरीडे किसका वैज्ञानिक नाम है, बताइए रोंडेटिया मुरीडे ये भाई किसका वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 42 करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए रोंडेटिया मुरीडे ये किसका वैज्ञानिक नाम है। सभी साथी ध्यान दीजिए करेक्ट आंसर आएगा मूस का, ए करेक्ट आ गया माउस, याद रखिए माउस करेक्ट आ गया माउस का। कौन सी कोशिका पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों में वृद्धि करती है, तो भाई देखो कौन सी कोशिका है जो पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों में वृद्धि करती है, तो देखो करेक्ट आएगा मैच्योर जिसको परिपक्व बोलते हैं, परिपक्व पौधा, ठीक है। कौन सी कोशिका पौधे में विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों में वृद्धि करती है, तो याद रखिए मैच्योर जिसको बोलते हैं परिपक्व, ठीक है। देखो कौन सी कोशिका पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों में वृद्धि करती है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है, मैच्योर करेक्ट आएगा परिपक्व, माफ करना यार, ठीक है बिल्कुल मैच्योर करेक्ट आएगा, आप सभी को याद रखनी है, ठीक है।
माफ करना साथियों, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत था, परिपक्व नहीं आएगा। देखो ये जो है ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखिए, ठीक है। मर्मे स्टेमेटिक यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, मर्मे स्टेमेटिक यहाँ करेक्ट है, आप सभी साथी याद रखिए, ठीक है। मर्मे स्टेमेटिक यहाँ करेक्ट है, आप सभी साथी याद रखिए, ठीक है। तो देखिए सभी साथी अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सभी साथी देखेंगे यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखो करेक्ट आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, मर्मे स्टेमेटिक करेक्ट आंसर आ जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP किसका पूर्ण रूप है, ठीक है। देखो सभी साथी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। देखो अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, तो सभी साथी ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए ध्यान दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान में HTTP किसका पूर्ण रूप है, तो देखिए अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। देखो अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, सभी साथी ध्यान दीजिए अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखो कंप्यूटर में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी साथियों को यहाँ याद रखनी है, देख लीजिए। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, आप सभी साथी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गैर हरे पौधे को निम्न में से कौन सी चीज़ की कमी होती है, बताइए। गैर हरे पौधों में निम्न में से कौन सी चीज़ की कमी होती है, देखो करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो बताइए। गैर हरे पौधों में निम्न में से कौन सी चीज़ की कमी होती है, तो देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है भाई, जो पौधे हरे नहीं होते हैं उसमें। FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था, बताइए। FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था, आप सभी साथी देख लीजिए अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ क्या है, तो FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था, आप सभी साथी देख लीजिए करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा भाई। तो सभी साथी ध्यान दीजिए, FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो देखना अब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सभी साथी, FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था, देखो करेक्ट आंसर क्या है अब क्वेश्चन नंबर 47, तो सभी साथी ध्यान दीजिए। तो FM रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो एडविन हावर्ड आर्मस्ट्रांग ने, याद रखिए सभी। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण तत्व का नाम मान क्या है, भाई पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या है, तो पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या है, तो याद रखिए 0, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा 0, याद रखिए सभी साथी। आगे देखो पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था, पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था, देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फटाफट से देख लो सभी साथी, पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था, तो भाई याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, देखो बेनोइट फोरनेरोन ने, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, बेनोइट फोरनेरोन यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक ट्रेन की गति किसका उदाहरण है, एक ट्रेन की गति इनमें से किसका उदाहरण है, देखो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए। एक ट्रेन की गति किसका उदाहरण है, तो रेक्टिलिनियर गति का, याद रखना रेक्टिलिनियर मोशन करेक्ट आ गया, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर गति करेक्ट है। आप लोगों ने लाइक तो किया ना, सभी ने नहीं किया तो यार करिए साथियों, आप एक लाइक करते हो ना क्लास को, उसी से हमें मोटिवेशन मिला, करिए ना सभी साथी प्लीज़ क्लास को। एनोना
रेटिकुल किसका वैज्ञानिक नाम है? एनोना रेटिकुलता इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? अब देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एनोना रेटिकुलता किसका वैज्ञानिक नाम है? अब देखिए करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एनोना रेटिकुलता इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो शरीफा करेक्ट आंसर आएगा, शरीफा करेक्ट आएगा, ठीक है। कस्टर्ड एप्पल करेक्ट आएगा, शरीफा। देखो इनमें से कौन सा एक तरंग की प्रति इकाई क्षेत्र में तरंग की यात्रा की दिशा में लंबवत ऊर्जा के हस्तांतरण की दर है? बताइए इनमें से क्या एक तरंग की प्रति इकाई क्षेत्र में तरंग की यात्रा की दिशा में लंबवत ऊर्जा के हस्तांतरण की दर है? तो अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, तो याद रखना तीव्रता, तीव्रता करेक्ट है, ठीक है। इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ गया, तीव्रता, इंटेंसिटी बोलते हैं। आगे देखिए, सबसे बड़ा डॉल्फिन प्रजाति ओर्का है जिसे क्या कहा जाता है? भाई सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति ओर्का है जिसे क्या भी कहा जाता है? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या है। देखो सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति ओर्का है जिसे क्या कहा जाता है? तो किलर व्हेल, याद रखिए किलर व्हेल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति ओर्का है जिसे क्या कहा जाता है? तो किलर व्हेल, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई एयरबैग का आविष्कार किसने किया था बताइए, एयरबैग का आविष्कार किसने किया था? सभी साथी ध्यान दीजिए, तो देखिए सभी एयरबैग का आविष्कार किसने किया था, फटाफट से देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो साथियों जॉन डब्ल्यू हैट्रिक जी, यानी गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के मूल्यों को निर्धारित किया था। बताइए किसने पहले बड़ा जी यानी गुरुत्वाकर्षण निरंतर के मूल्यों को निर्धारित किया था? तो देखो करेक्ट आंसर आएगा लॉर्ड केवेंडिश ने, लॉर्ड केवेंडिश करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड केवेंडिश ने, याद रखना सभी। केंद्र परा, देखो केंद्र प्रसारक बल द्वारा क्या कार्य क्या होता है? केंद्र पार्श्व, देखो माना केंद्र प्रसारक द्वारा केंद्र प्रसारक बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? देखिए अब राइट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, तो जीरो बिल्कुल करेक्ट आएगा, शून्य बी करेक्ट आएगा, शून्य, याद रखो सभी। केंद्र प्रसारक बल द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है, शून्य होता है। हाइड्रोलिज किस वर्ग से संबंधित है? हाइड्रोलाइजिस या हाइड्रोलिज ये किस वर्ग से संबंधित है? देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा सभी साथी ध्यान से भाई, तो देखिए अब करेक्ट आंसर यहाँ क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, अब देखो करेक्ट आंसर क्या है सभी साथी ध्यान से। तो भाई हाइड्रोलाइजिस किस वर्ग से संबंधित है? तो एंजाइम से, एंजाइम करेक्ट आ गया ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, एंजाइम याद रखिए। सबसे पहले स्तनपाई क्लोन भेड़ का नाम क्या है? सबसे पहली स्तनपाई क्लोन भेड़ का नाम क्या है? देखिए तो क्वेश्चन नंबर 58 अब राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले स्तनपाई क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो देखो अब करेक्ट आंसर क्या है, सबसे पहले स्तनपाई क्लोन भेड़ का नाम क्या है? अब देखो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो डॉली, डॉली करेक्ट आएगा, डॉली याद रखना, ऑप्शन नंबर बी डॉली करेक्ट है। सबसे पहले स्तनपाई क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो डॉली करेक्ट आंसर आएगा। किस प्रकार के रोगजनक से जल जनित रोग टाइफाइड बुखार होता है? किस प्रकार के रोगजनक से जल जनित रोग टाइफाइड बुखार होता है? तो ध्यान दीजिए राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, सभी साथी देख लीजिए, किस प्रकार के रोगजनक से जल जनित रोग टाइफाइड बुखार होता है? तो याद रखना बैक्टीरिया से, यहाँ बैक्टीरिया करेक्ट आ गया, बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक अस्थिर मेमोरी है? अस्थिर मेमोरी बताइए, स्थिर नहीं अस्थिर मेमोरी है, अस्थिर मेमोरी, ठीक है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक अस्थिर मेमोरी है? तो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी, सभी साथी याद रखना। भाई भोजन प्राय किसमें पचता है? साथियों देखो भोजन प्राय किसमें पचता है, क्वेश्चन नंबर 61 आप सभी साथी ध्यान दीजिए साथियों, भाई भोजन प्राय किसमें पचता है? तो देखो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बताइए, तो भोजन प्राय किसमें पचता है? तो छोटी आंत में, याद रखना, ठीक है।
स्मॉल इंटेस्टिन, स्मॉल इंटेस्टिन यहाँ करेक्ट आंसर आएगा, स्मॉल इंटेस्टिन। आप सभी साथी याद रखिए, ठीक है। चलो आगे देखिए अगली क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? अब देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो क्रूक्स कांच करेक्ट आंसर आएगा, क्रूक्स ग्लास करेक्ट आ गया साथियों, क्रूक्स कांच। आप सभी साथी याद रखिए, ठीक है। नाभिक के ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? तो भाई देखिए राइट आंसर यहाँ क्या जाएगा बताइए। तो नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? तो याद आपको रखनी है थोरियम, थोरियम करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ, याद रखिए सभी साथी। तो थोरियम करेक्ट है, याद रखना है सभी को। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा भाई? अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? देखिए राइट आंसर क्या जाएगा आप बताइए। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, इंसुलिन और ग्लूकामोन नहीं बनेंगे। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो इंसुलिन और ग्लूकामोन नहीं बनेंगे। आगे देखिए स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? देखो स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है आप सभी साथी देख लीजिए। तब बताइए स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? तो साथियों याद रखना स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां और चार कोष्ठिका हृदय, यानी ये सभी गुण होता है एक स्तनधारी प्राणी में। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या आ जाएगा साथियों। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? सीपीयू जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, बताइए तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? सीपीयू का विस्तृत रूप क्या होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर यहाँ क्या है। देखो सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 करेक्ट आंसर यहाँ क्या है? तो भाई सीपीयू का विस्तृत रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ करेक्ट आ जाएगा। सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो याद रखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेक्ट आ गया। मनुष्य की आंत में, देखो मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? देखिए तो करेक्ट आंसर क्या है साथियों बताइए। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ई कोलाई, ए राइट आंसर आएगा, ई कोलाई। आप सभी साथी याद रखिए ई कोलाई करेक्ट है, मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो ई कोलाई, ई यानी एसरिसिया कोलाई, ए राइट आंसर आएगा, एसरिसिया कोलाई याद रखना। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है भाई? द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों देख लीजिए भाई। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है? देखिए बीबीआई क्वेश्चन है, आंसर करिए सभी साथी। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है भाई? देखो करेक्ट आंसर अब क्या आ जाएगा फटाफट से कोशिश करिए। द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है? तो पास्कल के सिद्धांत से, पास्कल सी करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी पास्कल के सिद्धांत से याद रखना। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है भाई? न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है बताइए? तो न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अतिचालकता, अतिचालकता राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अतिचालकता करेक्ट आंसर आ गया भाई। न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अतिचालकता यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा, वेरी गुड। देखो क्रिस्टल की संरचना, सभी साथी देखिए क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किस प्रयोग
किसको प्रयोग में लाया जाता है? अच्छा, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? देखो, अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का, सभी साथी देखिए और सभी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी मिलकर क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और नए साथी जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। देखो, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो आप सभी साथी ध्यान देना। देखो, करेक्ट आंसर आ जाएगा दृश्य प्रकाश को। दृश्य प्रकाश करेक्ट आ गया। देखो, अगली क्लास कल सवेरे लगेगी। अब ये क्लास आपकी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्लास कल मॉर्निंग में 8 बजे लगेगा करेंट का। तैयार रहना सभी साथी, 8 बजे मॉर्निंग में करेंट का क्लास करवाएंगे, तो सभी साथियों को तैयार रहना है सवेरे 8 बजे। शेड्यूल ऑलरेडी किया हुआ है, क्लास 8 बजे तैयार रहना। उससे पहले सभी मिलकर इस क्लास को अभी लाइक कर दीजिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए साथियों। सभी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, तभी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन अभी आपको आएगी। तो टेक केयर साथियों, ख्याल रखिए, आप लोग खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए, ठीक है। उससे पहले सभी मिलकर इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना अभी, तभी आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। नेहा गुप्ता, दीपक बंजारा, काजल मिश्रा जी, प्रीति कुमारी, मिथुन कुमार, हिमांशु कुमार, नीरज पाल, दिनेश, कार्तिक चौरसिया, काजल मिश्रा, ममता कुमारी, दीपक पंडित, ठीक है, दिनेश, प्रीति, गोपाल, राजू, गुड नाइट साथियों, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, लव यू टू ऑल। कल सवेरे 8 बजे करेंट का पहला क्लास, तैयार रहना सभी साथी। उससे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी मिलकर अभी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ही लेना। चलिए, गुड नाइट, सभी ने लाइक कर दिया होगा, कर देना। नए साथी कोई भी आए थे आज, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलो तो टेक केयर, गुड नाइट। चित्रा यादव, दिनेश, रवि, काजल, दीपक, योगेश, दिनेश जी, ठाकुर गेमर, ख्याल रखिए आप लोग, ठीक है, बिल्कुल। तब तक के लिए कल मिलते हैं आप सवेरे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।